हाय दोस्तों, मैं शाहनवाज हसन फिर से आपके सामने आया हूँ एक गैजेट्स लेके। फिलहाल टुडे मैं आपको जिस गैजेट के बारे में बताऊंगा, ये एक मोबाइल डिवाइस है और आप सभी ने इसको शायद अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया है एमआई ने। तो एमआई का 5A डिवाइस है ये, जो लास्ट दिसंबर को लॉन्च हुआ था 2017 में। तो देखिए, मैं बुक किया हूँ फ्लिपकार्ट से और इसको मैं अभी अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। एक ऐसा कंपनी जो आज से 3 साल पहले स्टार्ट हुआ था और आज बहुत पॉपुलर हो गया, हर कोई इसको जानते हैं। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। देखिए, ये है इसका बिल। मैंने इसको कल ही परचेस किया हूँ फ्लिपकार्ट से। तो ये है इसका बिल और बाकी चलिए पैकेट खोलते हैं, इसका देखते हैं। ये है बॉक्स और इसको भी खोलते हैं। तो ये है Redmi 5A जो हाल ही में लॉन्च किया गया है और वैसे तो साइज इसका काफी अच्छा है। देखते हैं अंदर का लुक्स इसका क्या है। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं। अभी इनके ऊपर जो फीचर्स दिया हुआ है, ये 3 GB रोम है। Redmi 5A में दो वर्जन लॉन्च किया गया है, एक है आपका 2 GB रैम एंड 16 GB रोम, और ये है 3 GB रोम एंड 32 GB रोम। दोनों लगभग सेम कॉन्फ़िगरेशन है। चलिए देखते हैं इसको अनबॉक्सिंग करके। तो ये है दोस्तों MI 5A हैंडसेट जो मैंने अभी अनबॉक्सिंग किया, और इसको चालू करके देखते हैं। और तो ये है पैकेट और देखिए, ये है इनका मैनुअल बुक्स। और इसमें हेडफोन नहीं आता है, जबको आप सबको मालूम है कि एमआई कभी हेडफोन नहीं देते हैं। और ये है आपका चार्जर्स, आई मीन यूएसबी केबल, और इसको ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा ये। ये देखिए एडाप्टर, चार्जिंग एडाप्टर। तो पहले हम लोग इसको इसमें सिम डाल के देखते हैं। और सिम के लिए देखिए यहाँ पे पिन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दो सिम डालने के लिए, इसमें आप मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं और सिम भी डाल सकते हैं। इसमें दो सिम आप डाल सकते हैं और साथ में मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं। बहुत सारे सेट है जो कि मेमोरी कार्ड सपोर्ट नहीं करते। अगर मेमोरी कार्ड देते हैं तो 12 SIM सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन इसमें वो फीचर्स नहीं है। मतलब ये मेमोरी कार्ड और 12 SIM दोनों सपोर्ट करते हैं। इधर हेडफोन आई मीन साउंड के लिए है और पावर बटन है। तो चलिए तो चलिए स्विच ऑन करके देखते हैं। हैंडसेट काफी स्लिक मॉडल है, देखने में काफी खूबसूरत है और लुक भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। 5 इंच डिस्प्ले है और मैंने अभी इसको ऑन किया, अब ये बूट हो रहा है। ऑलमोस्ट बहुत अच्छा है, स्लिक है और आपका ग्रिप में भी आ जाएगा। बहुत अच्छे हैंडसेट है। अभी देखना पड़ेगा कि इसका फीचर्स वगैरह कैसा है, किस तरह का बैटरी बैकअप देते हैं। वैसे तो कंपनी इसको लिखा है, तो थ्री थाउजेंड एमएच बैटरी है
और 16 GB सॉरी 13 GB कैमरा है, बैक कैमरा, और 5 GB फ्रंट कैमरा है, सॉरी 5 MP। तो चलिए ये देखिए मेरा सेट ऑन हो चुका है। ये देखिए इसको ऑलमोस्ट मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाया था तो मैं फिर से इसको एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। देखिए काफी अच्छा सेट है, लुक्स काफी अच्छा है, और मेरे हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे फीचर्स इसमें दिया गया है। इसमें दो वर्जन है, मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको। एक है आपका जो प्राइस आता है 4999, आई मीन 5,000 में, और एक आता है 6999 जो कि 7,000 में फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। और दोनों में बस डिफरेंस यही है कि जो 4999 का है 5,000 वाला, वो उसमें आपको सिर्फ 16 GB रोम मिलेगा और 2 GB रैम मिलेगा। और इसमें ये और एक चीज मैं देख रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट का आपका लाइसेंस वर्जन दिया हुआ है इसमें, जिसमें आप एक्सेल, आउटलुक, पावर पॉइंट वगैरह आप इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों बने रहे मेरे इस वीडियो के साथ और चैनल के साथ, और इसका रिव्यू मैं आपको दूंगा 7 डेज के बाद। क्या आप इसको, इस सेट को लेना चाहते हैं या नहीं, आई मीन लेना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि अभी मैं इसको जस्ट परचेस किया हूँ और इसका ऑलमोस्ट सारे फीचर्स तो मुझे मालूम नहीं है। मैं भी आपकी तरह न्यू हूँ, बस इसको देख रहा हूँ कि सेट कैसा है। तो सेट मुझे को बहुत अच्छा लगा। अगर आप सोच रहे एक बजट फोन के लिए, तो मेरे हिसाब से इस फोन को आप ले सकते हैं, लेकिन इसका फीचर्स और इसका बैटरी बैकअप कितना देगा, क्योंकि आज की डेट में एक स्मार्टफोन के लिए, मल्टीमीडिया फोन के लिए बैटरी बहुत मायने रखता है। तो देखते हैं, कैमरा देखिए, ये देखिए कैमरा, इसका कैमरा काफी क्लियर लुक्स है, बहुत अच्छा कैमरा दिया हुआ है। और ये देखिए इसका फ्रंट कैमरा, देखिए इसमें मेरा फोटो आ रहा है, देखिए इसमें फ्रंट कैमरा है। तो चलिए मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है, देखिए फोटो में ले रहा हूं इसमें। तो अभी मैंने एक फोटो लिया जो कि देखिए फोटो की क्लियरिटी भी बहुत अच्छा है, ये फ्रंट कैमरा है, और फ्रंट कैमरा का जो क्लियरिटी है फोटो की बहुत ही अच्छा है। तो मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि सेट अच्छा है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि इसमें बैटरी बैकअप कितना दिन चलेगा, क्योंकि मैं इससे पहले भी और एक बजट से फोन लिया था, पैनासोनिक V81, लेकिन उसमें बैटरी बैकअप काफी अच्छा था लेकिन कैमरा उसमें सही नहीं था। लेकिन उसका भी मैं आपको वीडियो दूंगा, आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, उसमें वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं एमआई का नया सेट लेने के लिए 5A, तो आप ले सकते हैं एज ए बजट फोन, काफी अच्छा फोन है। और इसका रिव्यू देखने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहे, 7 डेज के बाद मैं इसका रिव्यू भी डालूंगा। ओके दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर।